तवा पुलाव तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन अब बारी है हरियाली तवा पुलाव ट्राई करने की। एक बार आप इसे बना के देखिए, आप तो खुश हो ही जाओगे, लेकिन आपके घर वाले भी सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तवे पे हम 1 टेबलस्पून तेल लेंगे और इसी के साथ 1 टीस्पून इसमें मक्खन मिलाएंगे। यहाँ पे ये जो ग्रीन तवा पुलाव है उसे हम तवे पे बना रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो कढ़ाई में भी बना सकते हो। तेल और मक्खन गर्म हो गए हैं, अब इसमें 1/4 टीस्पून जीरा मिलाएंगे। एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है वो डाल देंगे। 2 हरी वाली इलायची डालनी है और साथ ही में ये जो सूखी लाल मिर्च आती है वो हम 3 डालेंगे। सब कुछ एक बार मिला लेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं। प्याज के साथ ही इसमें कटा हुआ शिमला मिर्च मिला देंगे। मैंने 1 मीडियम साइज का शिमला मिर्च लिया है। ये जो पुलाव बनेगा उसमें मैंने सब्जियों की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी है, तो आपको जिस प्रकार पसंद है उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। गैस की आंच मीडियम रहेगी और इसे हम भून लेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, वो एकदम नरम नहीं होने चाहिए। अभी हम इसमें गाजर मिलाएंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गाजर का टुकड़ा लिया था जिसे पारबॉइल कर लिया है। इसके बाद उबले हुए मकई के दाने मिलाएंगे। मकई के दाने को भी मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के कुक कर लिया है। और इसमें हम हरे मटर मिलाएंगे। तो मकई के दाने भी मैंने 1/4 कप लिए है और हरे मटर जो आते हैं उसे भी मैंने 1/4 कप लिया है। हरे मटर को भी मैंने अच्छे से उबाल के लिया है। इसके अलावा भी आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप डाल सकते हो। अभी इसमें हम 2 टेबलस्पून पत्ता गोभी डालेंगे। अभी हमें बीच में थोड़ी जगह बना लेनी है। गैस की आंच को मैंने स्लो कर दिया है। बीच में फिर से थोड़ा तेल डाल देंगे, 1 टीस्पून जितना। अभी तेल में हम कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है। इसी के साथ 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट मिलानी है। 1/2 टीस्पून अदरक हरी मिर्च की पेस्ट मिलाएंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मिलाना है। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून इसमें हम धनिया जीरा पाउडर मिलाएंगे। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अभी ये जो मसाला है इसके ऊपर हम पालक की प्यूरी मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पालक ली थी जिसे उबलते पानी में 2.5 मिनट के लिए उबाल लिया था। उसके बाद ठंडे पानी में डाल देना है और उसके बाद इसकी एकदम महीन पेस्ट बना ली है। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अभी ये जो बीज का मिश्रण है उसे हम पकने देंगे। अब आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। जो सब्जियां है उसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी सब कुछ हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी हम इसमें उबले हुए चावल मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप उबले हुए चावल लिए हैं और ये जो चावल है वो बॉइल्ड बासमती है। ये आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे। इसके बाद 1/2 टीस्पून पाव भाजी मसाला मिलाना है। 1 टेबलस्पून हरा लहसुन मिलाएंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। 1 टेबलस्पून हरा धनिया मिलाएंगे। अभी 2 चम्मच लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों मिलाएंगे ताकि जो चावल के दाने हैं वो टूट ना जाए। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तवा पुलाव तैयार है। अभी हम आखिर में इसमें नींबू का रस डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 नींबू का रस लिया है और इसी के साथ इसके ऊपर हम पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 30 से 35 ग्राम जितना पनीर लिया है जिसे एकदम छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें आप चाहो तो चीज भी डाल सकते हो और अगर आपको काजू और किशमिश पसंद है तो उसे भी घी में थोड़ा फ्राई करके डाल सकते हो। अभी सब कुछ मिला लेंगे। ये लीजिए, एकदम बढ़िया हरियाली तवा पुलाव तैयार है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये तवा पुलाव की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर रेसिपी अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और एक मस्त रेसिपी के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।